The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Welcome back. मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों. हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल टिप्स की, प्रोफेशनल टिप्स की, आप अपने हेल्थ को कैसे बेटर रखें, अपने शरीर में ऑर्गन्स को कैसे प्रोटेक्ट करें. प्रोफेशनल टिप्स हमने आपको लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, इनके ऊपर ऑलरेडी दिए हैं कि आप किस प्रकार अपने लंग्स को, लिवर को, हार्ट को, किडनीज को डैमेज कर रहे हैं. छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं करके या करके आप डैमेज कर रहे हैं और कैसे बचा सकते हैं. सो इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, प्रो टिप्स बाय डॉक्टर एजुकेशन. और आज हम बात करेंगे दिमाग की, ब्रेन की. ब्रेन को कैसे आप तेज़ रखें, कैसे उसको आपने बचाना है, कैसे आप उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं. सबसे बड़ी चीज़ जो आपको समझनी है कि ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है. और ये सबसे ज़रूरी ऑर्गन है जो सबको कंट्रोल करता है, हर एक ऑर्गन को यही कंट्रोल करता है. आपके हर एक थॉट्स, आपकी सोच, आपके जितने भी इमोशंस हैं, आपकी जितनी मूवमेंट है, जितने ऑर्गन्स की फंक्शन है, ये सब कंट्रोल ब्रेन करता है. आप जो भी करते हो, चाहे वो वीडियो देखना हो, बोलना हो, कोई काम करना हो, हाथ हिलाना हो, कोई कैच पकड़ना हो, ये सब का कोऑर्डिनेशन ब्रेन से होता है. लेकिन जब तक प्रॉब्लम नहीं आती ब्रेन में, हम सब उसे इग्नोर करते हैं. खासकर ज़्यादातर लोग जब तक 60 की उम्र क्रॉस होने के बाद कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आना, या कहीं हाथ पैरों में सुन पना आना, कहीं कोई वीकनेस आ जाना, तब तक फिर इग्नोर किया जाता है. फिर जाके याद आती है, नहीं, ब्रेन के लिए भी कुछ करना पड़ता है. सो ब्रेन को कैसे बचाएं, ब्रेन को कैसे आप डैमेज कर रहे हैं और क्या करना चाहिए ब्रेन की गुड बेटर हेल्थ के लिए, ये वीडियो आज सिर्फ ब्रेन पे डेडिकेटेड है. आइए बात करते हैं. देखिए, बेसिक्स तो ब्रेन के आप सब जानते ही हैं कि ब्रेन को शार्प रखना है. अगर ब्रेन को, दिमाग को शार्प रखना है, तो आपको अपने आप की जो इंटेलेक्चुअल क्षमता है उसको चैलेंज करना होगा. ठीक है, वो हम बाद में, वो तो बेसिक हुआ कि हाँ वो इम्पोर्टेंट, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है एक्चुअली में ब्रेन हेल्थ के लिए, वो क्या है, वो है नींद. जी हाँ, स्लीप. स्लीप एक इतनी ज़रूरी चीज़ है ब्रेन के लिए कि जिस पे कोई स्ट्रेस नहीं दे सकते आप. और कितने घंटे की स्लीप, 7 से लेके 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग को, यानी दिमाग को बंद करके रीसेट होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, डिटॉक्स होने के लिए रखने. जब आप सोते हैं तो एक्चुअली आपका ब्रेन, उसके अंदर से बीटा अमाइलॉइड नाम के जो प्रोटीन्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लेवल पे जब जमा हो जाते हैं आपके ब्रेन में, तो आगे चल के आपको भूलने की बीमारी हो जाती है, अल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाती है. बीटा अमाइलॉइड निकालती है जब आप ठीक से सोते हैं तो. सो नींद अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन हेल्थ में, जो कि आज के डेट में लोग खोते जा रहे हैं, सोते नहीं हैं. कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 2 दिन नहीं सोया, राइट? कोई शाम को चाय पी लेते हैं तो रात को नींद नहीं आती है. बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, समझ रहे हैं? सो नींद बहुत ज़रूरी है. और कई बार जब आप नींद नहीं लेते, अरे कभी कभी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हर बार जब होगा तो दिक्कत होगी. आपको क्या करना है, कोशिश करिए सोने से पहले, आधा घंटा, 1 घंटा पहले, जितने भी मोबाइल फ़ोन, जितने भी डिजिटल चीज़ें हैं, उनको साइड में रख दो, उससे अपना थोड़ा सा दूर रख लो, बत्तियां बंद कर लो. ठीक है, और कोशिश करें कि जितनी भी चिंताएं हैं, अगर आप, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम स्ट्रेस भी है दुनिया में, जिसकी वजह से लोगों को नींद नहीं आती, तो जितनी भी चिंताएँ हैं उसको छोड़ दो. उसकी कोशिश, देखिए, नींद नहीं लेने से, सोने नहीं से, ना सोने से चिंता ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, पर एक तकनीक ज़रूर है. आप उन चिंताओं को, उन स्ट्रेस टेंशन को एक किताब पे लिख के रख लो.
आप किताब में लिख लो, कल सुबह वापस पढ़ लेना, वापस उसके उस पर चिंता करने लग जाना, क्योंकि सोते सोते तो कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन आपके लिखने भर से आपके दिमाग को एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीडबैक हो जाता है कि ठीक है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, बात समझ रहे। सो इट हैज बीन डॉक्यूमेंट। की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम लिख लेते, आप मानेंगे ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन फ़र्क पड़ता है इस पर। आप सोना अच्छे से, नींद बहुत ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रेन हेल्थ के लिए वो है। नंबर दो की जो चीज़ है ब्रेन हेल्थ के लिए वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज से क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज से आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपके ब्रेन में जाने वाला ब्लड फ्लो बढ़ता है, और इसमें सबसे ज़रूरी है लेग्स, आपके पैर, आपके पैरों की एक्सरसाइज जब होती है, जो भी आप तेज़ चलें, जॉगिंग करें, दौड़ें, चढ़ें उतरें, जंप करें, साइकिलिंग करें, राइट, किसी भी प्रकार की इस तरह की एक्टिविटी करें जो भी आपकी उम्र के अनुसार अलाउड है, आपको जो कर सकते हैं बिना किसी दर्द के, वो एक्टिविटी से आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन से ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप है एक्सरसाइज। और थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका मेडिटेशन। जी हां, मेडिटेशन चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो, दिन में कुछ देर के लिए मेडिटेट जरूर करें, रोज करें। मेडिटेशन से आपके ब्रेन को कॉन्सेंट्रेशन और ब्रेन की मेमोरी में भी जो उसके स्टोरेज प्रोसेस है, जो उसके साइनेप्टिक कनेक्शंस हैं, वो बढ़ते हैं। सो मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन चाहे आप किसी भी प्रकार से करें, चाहे पाठ पूजा करें या किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें, मेडिटेशन आपको करना चाहिए। फोर्थ चीज़ जो है वो है डाइट। जी हाँ, अब डाइट की जब बात आती है तो डाइट में ये देखा गया है कि जिन लोगों की हेल्दी डाइट होती है एज़ कम्पेयर टू जंक फूड वाली डाइट, तो जंक फूड वालों के ब्रेन एक्टिविटीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाती है। वैसे ही जिसका जो मोटापा है, जो BMI है, राइट, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स जिनका भी 25 से कम होता है, राइट, उनके केसेस में स्ट्रोक के चांसेस, बुढ़ापे में अल्जाइमर्स के चांसेस, ब्रेन की बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। सो BMI और डाइट और वेट, इसको हेल्दी साइड में रखना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया अवॉइड करना, मोटापा अवॉइड करना, गलत चीज़ें खाना अवॉइड करना। और इम्पॉर्टेंट क्या है ब्रेन के लिए, न्यूट्रिशन। नंबर वन न्यूट्रिशन है Omega-3। Omega-3 फैटी एसिड ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादातर लोग आज के डेट में Omega-3 डेफिशिएंट है, क्योंकि Omega-3 बहुत कम चीज़ों में मिलता है, जैसे फ्लेक्सी, चिया सीड्स, कैनोला ऑयल्स, राइट, आपका मस्टर्ड ऑयल, फिश और ड्राई फ्रूट्स, इन सब में Omega-3 है। सो Omega-3 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखी जाती है सारे वर्ल्ड में, राइट। सो ये फोर्थ चीज़ हुई डाइट की। सो डाइट अच्छी रखिए, स्ट्रिक्ट रखिए, वज़न लूज करिए। फिफ्थ चीज है हार्ट। हार्ट को प्रोटेक्ट रखेंगे तो ब्रेन भी प्रोटेक्ट होता है। कैसे? क्योंकि अगर हार्ट में गड़बड़ हुई, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, शुगर है, हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट में से ही तो ब्लड ऊपर जाना है, हार्ट में क्लॉट आ गया, दिमाग में क्लॉट चला गया, स्ट्रोक हो जाएगा। सो हार्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये सारा चीज़ें इसी में आ जाती हैं फिफ्थ पॉइंट में, अपनी ये कोमॉर्बिडिटीज़ को, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ना बनने दें, बीमारी बढ़ने मत दें, हार्ट कंट्रोल करें। ये हुई पांचवी चीज़। छठी चीज़ जो है दोस्तों वो है डाइट में ही कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक चीज़ है जिसे कहते हैं माइंड डाइट, MIND, माइंड डाइट नाम की भी एक चीज़ है, जो कि आपने अगर हमारा डैश डाइट वाला वीडियो देखा होगा, DASH, डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, उसी की जैसी डाइट प्लस मेडिटेरियन डाइट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि खास स्ट्रेस दिया गया है बेरीज और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे, राइट। सो बेरीज और लीव्स उन पे बहुत स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं, तो उनसे आपको ब्रेन हेल्थ ज़्यादा अच्छी हो जाती है। साथ ही अगर डाइट में कुछ चीज़ें आपको डालनी है तो डार्क चॉकलेट या कॉफ़ी या कैफीन थोड़ी सी आपके डेली बेसिस पे रहना आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
डार्क चॉकलेट इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन, यानी कितनी एक या दो कप कॉफ़ी आपके लिए या एक या दो कप चाय दिन भर में आपके लिए अच्छी है ब्रेन के लिए, लेकिन वही अगर ज़्यादा मात्रा में हो गए तीन चार पाँच छः, सो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। फिर आपको नींद नहीं आएगी, तो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हो पाएगी, सही से नींद नहीं होगी तो हेल्थ ब्रेन की मेंटेन नहीं होगी। सो मिनिमम अमाउंट में कॉफ़ी होनी चाहिए। देन बी सोशल, सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशली एक्टिव होना पड़ेगा, सोशली इंटरैक्शन आपको रखना है। जितना आप लोगों से कट कट के जिएंगे, जितना लोगों से अड़के इंट्रोवर्ट बन के जिएंगे, उतनी आपके ब्रेन को कॉन्फिडेंस उतना कम आता है। तो कॉन्फिडेंस से इंटरेक्शन, लोगों से बातचीत करने की क्षमता अपनी बढ़ानी है, किसी भी सिलसिले में किसी भी टॉपिक पे आपको खुलना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी से भी कभी भी बात करें, जितना सोशल हो सकें वो हो जाएं, चाहे आप बाहर जाके लोगों से बात करें, चाहे आप अपने जॉब के दौरान लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एज सोशल एज यू कैन बी सोशल होइए आप। सोशल का मतलब परस्पर बातचीत, इंटरेक्शन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इंटेलेक्चुअली अपने आप को चैलेंज करना। उसमें सबसे जरूरी चीज है ट्राई न्यू थिंग्स। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ब्रेन की डेवलपमेंट करते रहने का। जब तक आप कुछ नया ट्राई नहीं करोगे, चाहे वही काम करने को नए तरीके से ट्राई कर लो, थोड़ा तेज़ करने का ट्राई कर लो, चाहे अपना ही काम, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जॉब छोड़ के कुछ और करियर ट्राई करो, ये नहीं हम कह रहे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अपनी ज़िंदगी में न्यू थिंग ट्राई करते रहनी चाहिए, ना सिर्फ बचपन में, ना सिर्फ यंग एज में, ऊपर हेल्थ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब भी ट्राई न्यू थिंग्स, राइट। बी एंथुजियास्टिक, वो बहुत ज़रूरी है। अपनी इंटेलेक्ट बढ़ाइए, अपनी सोचने समझने की क्षमता, अपनी विचारधाराएं, अब उसकी ताकत, उसकी तेज़ी, वो बढ़ाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। उसके लिए पजल सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी में बहुत से पजल्स हैं, हर एक ज़िंदगी में यहाँ पर ये इशू वो इशू, आपकी नज़रिया अलग होना चाहिए। उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, सिर्फ इतना ज़रूरी है कि न्यू थिंग्स या न्यू तरीका ट्राई करते रहिए। तो अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं, ये 7-8 चीज़ों पर, तो आपका ब्रेन हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सबसे एक और चीज़, एडिशनल चीज़ आपको बता देते हैं, वो है नमक पानी का बैलेंस। जी हाँ, आपके ब्रेन को भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, और अगर नमक आप बहुत ही ज़्यादा कम खाते हैं तो भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो नमक पानी बैलेंस में रखना ज़रूरी है। नमक के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर हमारा डिटेल वीडियोज़ हैं, जाके देख सकते हैं। मिनिमम 1500 और मैक्सिमम 2300 मिलीग्राम पर डे खाना होता है, ऐसे गिन नहीं सकते मैं समझता हूँ, लेकिन नॉर्मल आहार में आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। और पानी अच्छे से पीजिए, डाइट अच्छी रखिए, हेल्दी डाइट रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन के लिए। जितने दुखी रहते हैं, जितने उदास रहते हैं, सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं, ब्रेन को नेगेटिव इन्फ्लुएंस मिलता है। सो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में रहना बहुत ज़रूरी है, अच्छी संगत में रहना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ हम देखते हैं, कोई हंसता है तो हंसी आती है, कोई रोता है तो रोना आता है, कोई यॉन करता है तो हमें भी नींद आती है, क्योंकि ब्रेन बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है, तो आपको उस फीचर का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, आप पॉजिटिव होंगे। आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे ज़्यादा होशियार हैं, आप ज़्यादा होशियार होंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करिए, ब्रेन हेल्दी रखिए, और देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, और स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।